बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में सन 2005 में उस वक्त पहली बार सामने आई थी जब उन्होंने हाथ में एक लापता नौजवान के हराम की तस्वीर उठा रखी थी। ये नौजवान उनका करीबी रिश्तेदार था। नकाब पहने हुए ये नौजवान लड़की कौन थी उस टाइम सिर्फ चंद ही लोग जानते थे। जिला केज की तहसील तम से ताल्लुक रखने वाली करीमा बलोच के वालिदैन गैर सियासी थे, ताहम उनके चचा और मामा बलोच मुज़ाहिमती सियासत में सरगर्म रहे हैं। बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों की मां समझी जाने वाली तलबा तंजीम बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या BSO के तीन दड़ों का जब 2006 में इंजमाम हुआ तो करीमा बलोच को सेंट्रल कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया। ये सफर जारी रहा और सन 2008 में वो जूनियर नायब सदर के अहदे पर फायर हुई। जब BSO के सीनियर नायब सदर जाकिर मजीद की गुमशुदगी हुई तो करीमा ने उनका ये अहदा संभाला। BSO रहनुमा जाहिद बलोच की जबरी गुमशुदगी के बाद करीमा ने तंजीम के चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाली थी और वह BSO की पहली खातून चेयरपर्सन थी। तंजीमी तौर पर यह एक कठिन दौर था जब तंजीम के मरकजी रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगी हो चुकी थी, बाज अफराद नशीदा हो गए थे और अपने सिरे से ही अपने राहें अलहदा कर ली थी। बलूचिस्तान की आज़ादी पर यकीन रखने वाली इस तलबा तंजीम BSO आज़ाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने मार्च 2013 में पाबंदी आयद कर दी थी। ऐसे में करीमा बलोच ने इस तंजीम को फ़ाल रखा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर तंजीम मवाद वहाँ पहुँचाती रही। करीमा बलोच का शुमार उन पहली खवातीन तलबा रहनुमा के तौर पर किया जाता है जिन्होंने नई रिवायत कायम की और तुर्बत से लेकर क्वेटा तक सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। उन्होंने तुर्बत से BA किया और बाद में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में MA में दाखिला लिया, लेकिन अपनी सियासी सरगर्मियों के बायस तालीम जारी नहीं रख सकी। पाकिस्तान में हालात नासाजगार होने के बाद वो कैनेडा चली गई जहाँ उन्होंने सियासी पनाह हासिल की। वो यूरोप समेत जनेवा में इंसानी हकूक के हवाले से इजलासों में शिरकत करती रही है और ट्विटर और फेसबुक पर अपने ख्यालात का इजहार करती थी। हाल ही में कनाडा में जनाबंदी के दौरान उसकी मौत वाकिया हो गई थी और उसकी तदफीन उसके आबाई इलाके तम में कर दी गई है। तम बलूचिस्तान के जिला केज में वाकिया है। उनकी बहन के मुताबिक यहाँ पर तदफीन करीमा की मस्जिद के मुताबिक की गई है। करीमा की मौत गुज़श्ता दिसंबर कनाडा में वाकिया हुई थी और टोरंटो पुलिस ने उनकी हलाकत के पीछे किसी जुर्म के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। तमाम खानदान के अफराद ने यह तस्दीक करने से इनकार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया था। उनकी बहन महगंज बलोच ने बताया कि करीमा की मैयत द्वार की शव पाकिस्तान पहुंची लेकिन हुकाम ने 4 घंटे की तखीर के बाद उसे खानदान के हवाले किया। उनका कहना था कि करीमा बलोच ने यह वसीयत की थी कि उनकी तदफीन बलूचिस्तान में की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी वसीयत के मुताबिक करीमा की तदफीन 25 जनवरी को उनके आबाई इलाके तम में की जाएगी। करीमा के खावंद हवल बलोच ने ट्विटर पर उस हवाले से उनका लिखा एक नोट भी शेयर किया। करीमा बलोच की मौत गुज़श्ता साल दिसंबर में कनाडा के शहर टोरंटो में हुई थी। टोरंटो पुलिस को उनकी लाश पानी से मिली थी। टोरंटो पुलिस ने उनकी हलाकत के पीछे किसी जुर्म के इम्कान को मुस्तरद किया था, लेकिन करीमा बलोच के खानदान के अफराद और बलोच को परस्त जमातों ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको एक साजिश के तहत हलाक किया गया।